हिंदू धर्म में एकादशी तिथि के दिन जगत के पालनकर्ता प्रभु श्री हरि की पूजा का खास महत्व है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जा रहा है। बगैर जल ग्रहण किए मनाए जाने वाली इस एकादशी के व्रत से वर्ष भर की एकादशी का पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाना ना भूलें। इससे प्रभु की विशेष कृपा तो मिलेगी ही, साथ ही आपका भंडार भी हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग जरूर लगाएं, साथ ही पके हुए पीले रंग के केले को भोग के रूप में अर्पित करें। बगैर तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। ऐसे में एकादशी से एक दिन पहले यानी कि आज ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और उन्हें भोग के साथ जरूर दें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। इसके लिए केसर पेड़ा, पीले रंग के रसगुल्ले आदि आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग भी अत्यंत प्रिय है। निर्जला एकादशी के दिन प्रभु को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। पंजीरी के भोग से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। विष्णु जी को पंचामृत भी जरूर चढ़ाएं, साथ ही मखाने की खीर भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके भोग लगाने से उनकी असीम कृपा मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।